बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मोहम्मद सजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। अकबर चौक फ्लाईओवर की डिटेल्स शेयर करने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर मैं इस तरफ जाऊँगा तो बॉर्डर टाउन लिंक रोड आएगा, और अगर मैं इस तरफ जाऊँगा तो जिन्ना हॉस्पिटल। इस ब्लॉक के अंदर कम्प्लीट फ्लाईओवर को हम विज़िट करने जा रहे हैं। यहाँ से हम टर्न लेंगे, एक तो ये पॉइंट है ना जहाँ फ्लाईओवर ने ख़त्म होना है, यहाँ से शुरू करके इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के साथ ये मैं यू टर्न ले रहा हूँ। यहाँ से यू टर्न लेते हैं और फिर वापस इसी जगह आऊँगा, ऊपर से टर्न लेके आपको दिखाऊँगा कहाँ पे ख़त्म होना है। ये स्टार्ट हो गया जी, हम जा रहे हैं मॉडल टाउन की तरफ, ठीक है। अकबर चौक से मॉडल टाउन की तरफ जा रहे हैं, और ये रोड देखें, ये वाली साइड ये रोड बन चुकी है। ये पियर्स इस तरफ जो बने हुए हैं, मैंने आपको डिटेल्स बताई थी कि कितने कितने पियर्स यहाँ बनाए जाएंगे। इस तरफ 16 पियर्स और दूसरी तरफ 15 पियर्स बनेंगे। बहुत ही अहम वीडियो है, इसको स्किप मत कीजिएगा, एंड तक कंप्लीट देखिएगा। और वो हजरात स्पेशली जो ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, क्योंकि मैं इसमें दिखाने जा रहा हूँ कि आपको कैसे ट्रैवल करना है, यहाँ पर अपडेट्स क्या हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे, इस टाइम आप आ सकते हैं नहीं आ सकते, आपने कौन सा रूट लेना है। तो आप देखते जाएं मेरे साथ साथ, मैं जा रहा हूँ आगे जहाँ से ये फ्लाईओवर ने लैंड करना है, वहाँ आगे जाके हम इसको, यानी कि जहाँ पे ख़त्म होना है वहाँ से हम यू टर्न लेके वापस आएंगे जहाँ से वीडियो का आगाज़ किया था। मैं चाहता हूँ कि कम्प्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करता करता मैं आगे जाऊँ। आप मुलाहजा कीजिए, इसी डिटेल्स के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल मलिक सजाद रिज़वी को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। अच्छा, ये जगह आपने जो देखी है अभी, यहाँ पे फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन का सामान तैयार हो रहा है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सारी डिटेल्स दिखाई भी हैं आपको। लेफ़्ट साइड पर है यासर पोस्ट, हम उसके पास से गुजर रहे हैं। ये बटमेंट्स जिसे आप रिटेनिंग वॉल बोलते हैं, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता फ्लाईओवर डाउन होना शुरू हो जाएगा। और ये जो ट्रीज़ आ रहे हैं ना, मैं आपको दिखाऊँ, ये ट्रीज़ और सेंटर में नाला, ये एज़ इट इज़ रहेगा, इसको बिल्कुल नहीं गिराया जाएगा। तो ट्रीज़ भी रहेंगे, सेंटर में जो नाला आ रहा है वो नाला भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंतज़ामिया से, जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं उनसे, कि इस नाले को लाजमी कवर कर दीजिए ऊपर से, प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। ये है जनाब, यहाँ से टर्न ले रहे हैं और हम जाएंगे अब वापस, यहाँ तक फ्लाईओवर ने आना है जनाब। ये चौक है, इस चौक का नेम क्या है एग्जैक्ट मुझे नहीं आइडिया। अभी हम जा रहे हैं अब वापस उसी तरफ। तो ये 1.2 किलोमीटर अप्रोक्स इसकी लेंथ है, इसमें 2 अंडर पासिस बनेंगे, सिग्नल फ्री होगा ये फ्लाईओवर, और जनाब ज़बरदस्त इसकी वर्थ बन जाएगी, और इस एरिया की जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स अब ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैं अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं, आपकी सपोर्ट मुझे अप्रिशिएट करती है, और आपकी सपोर्ट ही आज मुझे यहाँ ले आई है, वरना इतनी दूर, बहुत दूर है मुझसे ये तो, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ और मैं आपके लिए इंशाल्लाह। आप मुझे मैसेज छोड़ते हैं और मैं प्लान करता हूँ कि टाइम निकाल के लाजमी विज़िट करूँ। तो आज ये विज़िट किया है मैंने यहाँ पे, 2-3-4 टाइम्स मैं व्लॉग अपलोड कर चुका हूँ। आप बाप की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, हम इस को भी ज़रूर कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कहाँ कहाँ पे अंडर पासिस बनेंगे, निशानदेही फ़िलहाल नहीं की गई है, वो बाद में नेक्स्ट व्लॉग में शायद तब तक ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हों तो मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगा जो ही मेरे पास डिटेल्स पहुंचेंगी। बज़ाहिर आपको लग रहा है ना यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे मशीनरी आगे काम कर रही है। मैं जा रहा हूँ उसी तरफ, वो दिखाता हूँ आपको, लेबर लगी हुई है, देखें यहाँ भी कोई मटेरियल लेके आ रहे हैं, ये सारा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है काम यहाँ पर स्टॉप है। तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं फिर वो कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, लेबर डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे देखिए रूलर भी पीछे लगा हुआ है इसको प्रेस करने के लिए, ठीक है। इसके नेम का नहीं आइडिया, जो सड़क को तोड़ता है हैमर सा आगे बना हुआ है, इसका नहीं पता यार इसको क्या कहते हैं, अगर किसी को पता तो मुझे लास्ट में बताएं।
ये वाली साइड के आप देख रहे हैं पिलर्स, इनको पेयर्स बोलते हैं, ये कंप्लीट हो चुके हुए हैं। ये है रिटेनिंग वॉल, यहाँ से फ्लाईओवर ने अब ऐसा ऐसा लैंड करना है और इसी जगह पे अब काम शुरू है। ये वो स्पॉट है जहाँ पे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अभी एक्सीवेटर भी है और मिट्टी उठाने के लिए डंप क्या बोलते हैं वो भी यहाँ पे काम कर रही है। ये है इसकी रिटेनिंग वॉल और ये इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सामने है बिल्कुल। तो हम आगे की तरफ जाएंगे, मैं दिखा रहा हूँ इस व्लॉग के अंदर के फ्लाईओवर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से हमने यू टर्न लिया और अब वापस जा रहे हैं और कंप्लीट डेवलपमेंट जो हुई है वो हम देखते हुए आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इंजॉय कर रहे हैं इस वीडियो को। जो भी सजेशन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसको फॉलो करूँगा। और हम जा रहे हैं जनाब आगे उसी जानिब कंस्ट्रक्शन को देखते हुए जहाँ पर फ्लाईओवर ख़त्म होना है, वहाँ पे लेबर काम कर रही है। हमने देखा क्योंकि वीडियो का आगाज़ वहीं से किया था, अगेन वहीं पे जा रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा पीछे जाके वापस आया हूँ, ये आप देख रहे हैं मैं थोड़ा बैक गया था ज़रा। ये कैन भी खड़ा है पानी के लिए, वाटर कैन, क्योंकि डस्ट बहुत होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट दैट हु हैज़ टेकन द स्टेप टू थ्रो द वाटर, क्योंकि डस्ट बहुत होती है, उस डस्ट को बिठाने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं वहाँ से फिर वापस आया हूँ कुछ दिखाने के लिए आपको, लेकिन मुझे यू टर्न मतलब यहाँ से ही वापस आना पड़ा है। ये है इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स, मेरे माइंड से निकल गया उस टाइम, इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है ये। इसके सामने से आहिस्ता आहिस्ता फ्लाईओवर डाउन हो रहा है और ये जो सामने लेबर काम कर रही है ये वो बेस है, यानी कि बेड बना रहे हैं। यहाँ से ऐसा ऐसा फ्लाईओवर डाउन होगा और ये उसकी मजबूती के लिए सारा काम किया जा रहा है। आज मुझसे बोलना नहीं जा रहा सही तरह से, मेरे थकावट सी हो गई है, मुआज़रत ख्वाह हूँ, पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा हूँ, बट आप देखते जाएँ और इन्जॉय करें। ये नाला है दरख्तों के सेंटर में, वो नाला भी एज़ इट इज़ रहेगा, ट्रीज़ भी नहीं काटे जाएंगे, तो ये चीज़ खुशायंद है, ये ग्रीन बेल्ट टाइप बन जाएगी सेंटर में। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी और साइट का विज़िट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।